पिछले कुछ दिनों से मोदी जी जिस भी वर्ल्ड लेवल की किसी मीटिंग को या किसी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जाते थे तो वो बोलते थे कि ये दुनिया एक परिवार है। मेलोनी के नाम से, मेलोडी के नाम से जो आज हैशटैग पूरा ट्रेंड कर रहा है, उसको देखने के बाद में अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी का ये परिवार से लेकर पूरा तात्पर्य क्या था। दरअसल यहां पर जो चीजें हैं कुछ ज्यादा ही बेहतरीन होती जा रही। भाई हम जानते हैं कि इटली से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, लेकिन ये वाला जो नाता है ये वाला कुछ ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग बन के आ रहा है और मीम कम्युनिटी को उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है। मतलब ये जो मेलोडी हैशटैग निकलकर सामने आया है ना, इसको पैदा करने वाला कहीं ना कहीं वो हमारा मीम कम्युनिटी का साम्राज्य ही है। दरअसल जब भारत में मीटिंग हुई थी G20 की, तब जो तस्वीरें और मीम्स वायरल किए गए थे उसको देखकर समझ में आ गया था कि भैया यहाँ पर तो इन लोगों ने पूरा का पूरा एक माजरा ही अलग बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो ये COP की मीटिंग हुई है उसमें जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से तस्वीर पोस्ट करी ना मेलोडी लिखते हुए, जाहिर सी बात है मैडम ने एक एक ट्वीट, एक 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 मीम, हर एक चीज देखी। और इस समय पर हम बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट किया है इन्होंने लिखते हुए गुड फ्रेंड्स और एट COP28, उसको अभी तक 17 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं ट्वीट को, 17 मिलियन। अगर हम लोग लाइक्स की बात करें तो करीब 45,000 बार उसको रिट्वीट कर दिया गया, 241,000 बार लाइक किया गया। तो ये अगर कुछ दिनों में मोस्ट विजिटेड ट्वीट ना बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इंस्टाग्राम पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। इंस्टाग्राम पर तो लोग जाकर सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि भैया हाँ लड़के वाले हम लोग तैयार हैं, हमको दहेज नहीं चाहिए, लड़की बस दो जोड़ों में आ जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम चलते जरा देखते हैं कि इन दोनों के इन्हीं ट्वीट्स के ऊपर कि भैया लोगों का कैसे रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि ज्यादा कुछ दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनके इन पोस्ट के ऊपर जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वही बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात जो एक दिखी ना, वो दिखा सुब्रमण्य स्वामी जी का ट्वीट। देखिए, वो कहा जाता है ना कि बुढ़ापे में इंसान को अपने घर में रहना चाहिए या फिर वन्य प्रस्थान कर लेना चाहिए, वो किसी कारण से ही कहा जाता है। अब सुब्रमण्य स्वामी जी ने इन्हीं की एक तस्वीर के ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा कि अनदर इटलियन एडिशन, वी ऑलरेडी हैव वन हु डिस्पैच्ड हर हस्बैंड, ऑफ कोर्स द लेटेस्ट इज जस्ट डाइवोर्स बट इज पीएम, आर पीएम हैज डिस्ड हिज वाइफ सो मेड फॉर ईच अदर। मतलब अब आप इसमें देखिए कि कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और एक साइकोलॉजी की जो हम बात करते हैं ना, वो साइकोलॉजी का स्तर किस लेवल पर जा चुका है नीचे। खैर, उस बारे में क्या बोल। लेकिन यहां पर हम लोग ममता बनर्जी को भी काफी ट्रोल कर रहे हैं बोलते हुए कि व्हाट इज दिस अवर पीएम, पीएम क्या है, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। देखिए हर चीज का यहाँ पर बिल्कुल मस्ती मजाक एकदम लाइट माहौल बना हुआ है, तो उसी लाइट माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमको भी चीजों को समझना चाहिए, बिल्कुल भी फालतू का दिमाग पर लोड नहीं लेना चाहिए। वही वैसे भी आजकल स्ट्रेस लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो इसीलिए इस चीज को जितना हम लोग ज्यादा अवॉइड करें उतना हमारे लिए ही बेहतर होगा। ट्विटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पर जॉर्जिया मेलोनी के ट्वीट की क्या हालचाल है। ये मैडम जी ने ट्वीट किया है 1 दिसंबर को करीब 11:15 रात को, इन्होंने ये पोस्ट किया है और लिटरली उसके बाद से ये 17.2 मिलियन व्यूज को अभी तक मिल चुके हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, इट्स रियली गुड टू सी द लाइट मूड ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, विल बिकम द मोस्ट लाइक ट्वीट एवर। बिल्कुल हो सकता है। बैटल ऑफ द ईयर गोज टू मेलोडी, और यहाँ पर क्या, ये तो गाने वाने पोस्ट कर दिए लोगों ने। सेल्फी ऑफ द ईयर, बिल्कुल यार यहाँ पर लिटरली ये जो ट्रोलिंग का लेवल था ना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि किस लेवल की ट्रोलिंग होने वाली है। वंस द लेजेंड मोनीश बहल सेड, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो बात तो खैर है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भी यहाँ पर वायरल होने की इसमें आ गया है। द मीम कम्युनिटी क्लेम्स द डिसाइसिव विक्ट्री, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बातचीत का दौर यहाँ पर खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये तो फिर क्या ही बताएं, फोकस तो आप पे ही है। जिस तरीके से यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी का पूरा ये कर्म कांड वायरल हो रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, और उसके बारे में अब जो भी है भाई बढ़िया। चलो अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। किस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मुद्दा तो ये भी है। जॉर्जिया मेलोनी, एट दिस पॉइंट यू शुड गेट दिस जर्सी। बिल्कुल इंडिया की जर्सी लेकर अब आपको इंडिया को चीयर करना शुरू कर देना चाहिए, उसमें ज्यादा मजा आएगा। गुड फ्रेंड्स ये क्या है, हैव यू सीन द जोक्स बीइंग मेड ऑन बोथ ऑफ अस ऑन सोशल मीडिया, हाँ यस यस इट वॉज वेरी फनी। ये बात हुई तो हुई होगी आपस में एक ना एक बार जरूर। मोदी जी विद अदर गर्ल, जब मोदी जी दूसरी लड़कियों से मिलते हैं तो उनके रिएक्शन कुछ ऐसे रहते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के बिल्कुल अभिवादन करते हैं, और जब अपनी वाली मैडम से मिलते हैं तो फिर आ हा हा गजब, यहाँ तो याराना ही अलग है, सिंपल सी बात। ये क्या है भाई, मोदी जी इज रिएक्शन आफ्टर सीइंग दिस हैशटैग, इस हैशटैग को देखने के बाद मोदी जी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही है। लुकिंग गुड जॉर्जिया जी, जैसी एक बेस्ट फ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। यू कांट इमेजिन दिस हैपनिंग ऑन द फेस ऑफ मीम क्रिएटर्स इन इंडिया आफ्टर दिस पिक, दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस, द पोस्ट बाय मैडम जॉर्जिया मेलोनी माइट ब्रेक ऑल वायरल रिकॉर्ड्स, नाइस चॉइस ऑफ हैशटैग मेलोडी, रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन द टू नेशंस।
बहुत 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 ही शानदार हो रहा है। मेलोनी डेफिनेटली इज अवेयर ऑफ द इंटरनेट गॉसिप अबाउट हर एंड मोदी जी, वो तस्वीरें ही ऐसी थी भाई, क्या बोल दू। अनदर विक्ट्री फॉर इंडिया, इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी सिग्नल्स टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एवरी फोटो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस। भाई यार ये फोटो तो रिपोस्ट कर देते हैं, दिस पोस्ट माइट बी ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड। तो ट्विटर के ऊपर तो आपको सूरत हाल अब समझ में आ ही गया है कि आखिर ट्विटर के ऊपर लोग कितने ज्यादा मतलब यहां पर भाव कि ट्विटर के ऊपर तो लोग कितने ज्यादा भावुक हो गए इसको लेकर। थोड़ा सा इंस्टाग्राम के ऊपर भी चल देते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं वहां पर क्या सूरत हाल चल रहा है इन्हीं के पोस्ट को लेकर, क्योंकि मची तो देखिए हर जगह हुई है। तो अब भाई जब हर जगह मची हुई है तो हम भी रहता हर जगह का समेट लें। ये भी ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर यहाँ पर इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर ही पोस्ट करी है, वही कैप्शन के साथ मेलोडी इनले का, लुक्स लाइक शी हैज सीन ऑल द मीम्स, आई एम प्रीटी श्योर दे आर ट्रोलिंग अस, नजर ना लगे। कल तक इटली की पॉपुलेशन से ज्यादा इंडियंस के कमेंट्स होंगे ट्विटर इंस्टा के ऊपर, इट्स हैपनिंग। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये लोग साले ट्विटर को भी बैन कराएंगे, मतलब जिस तरीके से ये लोग इलॉन मस्क को ट्रोल कर रहे हैं ना कि मस्क भैया हो गया तुम्हारा, उसके बाद तो यही लग रहा है क्यूटीज। तो हम रिश्ता पक्का समझे, दहेज में हमें पूरा इटली चाहिए, अमित शाह जो देवर हैं वो बोल रहे हैं। प्रिवेडो मीम इन अरिवो, बाप रे इसका मतलब भी कोई समझा दो। एक लड़का और एक लड़की में कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, ममता बनर्जी ब्लैक मैजिक फेल, ममता जी का काला जादू फेल हो गया है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इंडियन पीएम एंड इटालियंस अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी, सोनिया गांधी जी का यार आने की बात चल रही है। खैर ये हैशटैग इतना चॉकलेटी क्यों है, बेस्ट पीएम इंडिया इन इटली, बहुत बढ़िया, लुक्स लाइक शी हैज बीन सीन ऑल द मींस, ये तो वही पूरे रिपीट हो जाएंगे मुझे पता है, हर बार यही धोखा करता मेरे साथ। दहेज में इटली लेंगे, इवन मोदी गॉट क्लिक बट नॉट मी चिक, सॉरी क्लिक नहीं, इंडियन गूगल सर्च भाभी मीनिंग इन इंग्लिश, शी इज यूजिंग द हैशटैग मेलोडी, मोदी बी लाइक हीरिए हीरिए आजा, इट्स हैपनिंग, कॉल जसोदा बहन। मोदी जी इसके हिंदी ट्यूशन स्टार्ट करा दें अब, फीलिंग प्राउड मन ही मन में, इंडियंस आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन, मेलोडी फॉर एवर बेस्ट कपल, मीम त्राते दियोर, अरे बाप रे थैंक यू, उनने भी जाकर गले लगा लिया इनको मोदी जी को। दे बोथ ट्रोल्ड अस फ्रॉम मेलोडी, मेलोडी शाइनिंग वन ऑफ द बेस्ट कपल। तो इस तरह के ही कुछ मीम्स जो है लोग शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बन चुका है। लेकिन एक बात तय है, देखिए ये जो पूरा माहौल इस समय सेट है, इसका फायदा कहीं ना कहीं मोदी जी की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने में तो मिलने ही वाला है। अब जो बेचारे पल पल बैठ के बस यही सोचते रहते हैं कि मोदी जी को कैसे भी करके हम बुरा बोल दें, दिन भर वही वाला कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं कि नहीं यहाँ पर नेगेटिविटी को किस तरीके से देखना है जो करना है। देखिए बात ऐसी है कि आपको समझना पड़ेगा ना चीज को कि अभी वक्त अनुकूल नहीं है, तो जब प्रतिकूल हो जाएगा तब आपको चीज सही लगने लगेगी। खैर आप लोग इस बारे में क्या बताना है ट्वीट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे जीवन फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।